नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सैल्यूट मूवी की। ये जो मूवी है दोस्तों, फुल ऑफ एक्शन, क्राइम और ड्रामा से भरपूर होने वाली है, जिसको रोशन आंद्रयूस जो है डायरेक्ट कर रहे हैं। और राइटर की बात करें तो बॉबी और संजय इसके राइटर होने वाले हैं। दोस्तों ये जो मूवी है क्राइम और थ्रिलर से भरपूर है, जो कि 2 घंटे 23 मिनट की होने वाली है। और आप इसको हिंदी में देख सकते हैं या नहीं देख सकते, मैं इस बारे में भी आपको बता दूंगा। दोस्तों ये जो मूवी है ये मलयालम लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि फुल ऑफ क्राइम और थ्रिलर्स और एक्शन से भरपूर होने वाली है। इसको आप सोनी लिव पर देख सकते हैं, सोनी लिव की एप्लीकेशन पर जा करके, और या फिर आप सोनी लिव की वेबसाइट पर भी जा करके इसको देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो रोशन एंड्रूज जो है इसके डायरेक्टर हैं। म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो जैक बेजॉय और संतोष नारायण जो है इसके म्यूजिक डायरेक्टर होने वाले हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो दुलकुर सलमान जो है इसके प्रोड्यूसर हैं। और ये जो है मलयालम लैंग्वेज की मूवी होने वाली है। राइटर जो है बॉबी संजय इसके राइटर होने वाले हैं। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की तो इसमें हमें दुलकर सलमान जो है देखने को मिलने वाले हैं। साथ में हमें मनोज के जयान और डायना पेंटी और लक्ष्मी गोपाल स्वामी और सानिया लापन जो है इसमें देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अन्य कास्ट भी इसमें हमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये जो सीरीज है फुल ऑफ एक्शन और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है। साथ ही साथ इसमें आपको क्राइम सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें ये जो सीरीज है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप इसको सोनी लिव की ऑफिशियल ऐप पर जा करके देख सकते हैं, या फिर आप सोनी लिव की वेबसाइट पे भी जा करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी में ऐसा क्या है जो आपको देखने को मिलने वाला है। पुलिस वाले नाटक जिनमें देश की राजनीति का प्रभाव होता है और भ्रष्टाचार का स्पर्श होता है, ज्यादातर समय एक ही रास्ता अपनाते हैं, लेकिन आप बॉबी और संजय से उस रास्ते पर चलने की उम्मीद नहीं करते हैं जो पहले ही ले लिया गया है। और यहीं से लेखकों के रूप में उनकी प्रतिभा निखरती है। मुंबई पुलिस की तरह दोनों जानते है कि वह क्या कहानी बनाना बताना चाहते हैं, और जब वह आपको महसूस कराते हैं कि उन्होंने स्क्रिप्ट पर अपना नियंत्रण खो दिया है, तो वह सिक्का उछालते हैं और आपको बताते हैं कि बॉस कौन है। एक पुलिस विभाग में सैल्यूट सेट सत्ता के खेल और वहां लोगों होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में है, लेकिन जुर्म इन करे और बारीकी से देखें, यह एक आदमी के बारे में है जो अपने नायक से मिलता है और उसके सपने टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह एक ऐसे भाई के बारे में है जिसने अपने पूरे जीवन के लिए अपने ही बड़े और बड़े को आदर्श माना है, और अब उसने बुराई देखी है। इसलिए संघर्ष हमेशा स्क्रिप्ट के विभिन्न पक्षों से दो भाइयों के बारे में होता है। इस बीच एक चेहरा विहीन अपराधी है, और हम सभी जानते हैं कि दोनों लेखक बिना चेहरे वाले चरित्रों को आकार देने और उनके चारों ओर रहस्य बुनने में कितने अद्भुत हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अत्यधिक नाटकीय कहानी के साथ भी सैल्यूट कभी भी ड्रामा से ऊपर नहीं जाता है। दृष्टिकोण सूक्ष्म और वास्तविक है, जो आपको दुनिया में अधिक आसानी से प्रवेश कराता है। कल्पना कीजिए कि एक ही छत के नीचे रहने वाले दो भाई कार्यालय में शब्दिक रूप से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन घर में उन्हें मर्यादा बनाए रखनी है। वह कभी भी एक दूसरे से ऊंचे स्वर में बात नहीं करते। परिवार को उनके बीच के तनाव का कभी पता नहीं चलता, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं। भ्रष्टाचार जांच को प्रभावित करने वाली राजनीतिक और खेल
कैसे चुनावी मौसम के दौरान दबाव पुलिस को गलत काम करने पर मजबूर कर देता है के बारे में एक सामाजिक टिप्पणी भी है, लेकिन इसे हाईलाइट करने के लिए इसे कभी भी ओवरप्ले नहीं किया जाता है। यह दर्शकों की समझ पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। सैल्यूट में जो मुझे परेशान करता है वह चर्मोत्सुक है, जबकि दुलारे सलमान के अरविंद जीवन के बारे में एक या दो चीजें सीखते हैं। उनका चरित्र स्थित रहता है, अपने भाई को आदर्श बनाने के मामले में कोई वास्तविक प्रगति नहीं होती है। आपने अपने आदर्श को गलत करते देखा है, जिसमें अपने जीवन को बंधित किया है, और इससे उसके लिए घृणा की भावना पैदा होनी चाहिए। यह आसमान होना चाहिए कि आप उन्हें उसी स्थिति में नहीं रख सकते। अरविंद अपने भाई को अपनी प्रेरणा बताते रहते हैं और यह केवल उद्देश्य को मारता है। दुलकर सलमान और उनका आकर्षण इतना लचीला है कि यह चरित्र के रूप में खुद को आकार देता है। वह एक कॉलेज का लड़का हो सकता है जो अपने जीवन को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। यह एक मजबूत पुलिस अधिकारी जो बुरी नहीं देख सकता, उसकी मासूमियत बरकरार है और आप इसे उनके सभी किरदारों में, उनकी आंखों में देख सकते हैं। निर्माताओं की तरह उनके पास भी सूक्ष्म दृष्टिकोण है और यह सब मदद करता है, क्योंकि लेखन में सारा नाटक है। मनोज के जया ने सलमान के प्रदर्शन की तारीफ की। वह बुरा पुलिस वाला है और अरविंद को सही रास्ता अपनाने से रोकने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करता है। अभिनेता चमकता है क्योंकि वह हमेशा आश्वस्त रहता है कि वह जो करता है वह सही है, यहाँ तक कि वह पूरे विश्वास के साथ करते हैं। इस तरह सिमट काम करता है क्योंकि वर्षों की सेवा ने उन्हें इस तरह से कठोर बना दिया है। सैल्यूट पुलिस व्यवस्था पर एक नया कदम है और दूसरों की तुलना में अधिक व्यक्तिगत कहानी है। दुलारे सलमान एक ट्रीट है और लेखन भी। सैल्यूट के एक दृश्य में दो पुलिस वाले, अरविंद करुणाकरण और मरार है, जो एक हत्या के मामले को हल करने के लिए साक्ष्य लगे रहते हैं। जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ती है, संदिग्ध को उठाया जाता है, पीटा जाता है और उसे खून की बूंदों को अपराध स्थल पर रखा जाता है। ऐसा होना बहुत संभव लगता है, लेकिन उसकी संभावना एक बार फिर से महसूस होती है। सैल्यूट जहां तक खोजी फिल्मों की बात है तो धीमी गति से जलती है, लेकिन खर्च किए गए समय में के लायक है। उपसंहार इत्मीनान से आ गया है और कुछ ढीले सिरों को बांध दिया गया है और बड़े करीने से समझाया गया है। दुलकर सलमान द्वारा निर्मित फिल्म के लिए निर्देशक रोशन एंड्रूज ने फिर से फिल्म के लिए बॉबी संजय के साथ सहयोग किया। यह फिल्म एक जोड़ी की हत्या, उसकी जांच, राजनेताओं द्वारा पुलिस पर हमले को जल्द से जल्द बंद करने का दबाव और उसके बाद क्या होता है पर केंद्रित है। सब इंस्पेक्टर अरविंद करुणाकरण के रूप में दुलारे सलमान एक दिलचस्प घड़ी है और एक मायावी अपराधी की पूंछ पर बैठे पुलिस वाले के रूप में प्रभावित करता है, जो बाधाओं को रखने वाले सिस्टम को मात देने की कोशिश करता है। नव नियुक्त पुलिसकर्मी के रूप में उनका संयमित व्यवहार, उनके बड़े भाई अजीत करुणाकरण, मनोज के जयन सहित वरिष्ठ पुलिस द्वारा अनिश्चय से एक निर्दोष व्यक्ति को फांसने के लिए रूप में उनके तेज तर्रार चित्र के विपरीत है। पुलिस का एक दूसरे पर पलटवार करना एक परिचित विषय है, लेकिन प्रस्तुति उनकी निंदा करने और उनके साथ सहानुभूति रखने के बीच पटी हुई है। हत्यारे मुरली को फंसाए जाने और बाद में गिरफ्तार किए जाने के बाद कार्रवाई शुरू होती है।
मामले को सुलझाने में शामिल करुणाकरन बंधुओं सहित 5 पुलिसकर्मियों का सामना इस बात से होता है कि असली हत्यारा बाहर है। उनकी चिंता उस आदमी से नहीं है जिसे उन्होंने फंसाया है। पुलिस एक ऐसी बिंदु पर है जहां से कोई वापसी नहीं हो सकती। उनका जीवन, करियर और पेंशन दांव पर है। उन्हें अपना और एक दूसरे को ध्यान रखना होगा, भले ही इसका मतलब सबूतों को नष्ट करना हो और किसी सहकर्मी को अपना काम ना करने देना हो। यह आत्मसंरक्षण के लिए उबालता है और एक संभावित मुखबिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिल्म के दौरान कई बार सिस्टम, राजनेताओं, राजनीतिक दलों और मंत्रियों का आह्वान किया जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त अरविंद इस प्रणाली को बर्दाश्त करने में असमर्थ एक लंबी छुट्टी पर चला जाता है, लेकिन वापस लौटता है और उसी प्रणाली की मदद से मामले को सुलझाता है। सीधी कहानी के लिए गैर रैखिक कथा अच्छी तरह से काम करती है। निर्देशक इसके साथ अपना समय लेते हैं और कहानी में ट्विस्ट बिल्ड अप को देखते हुए अप्रत्याशित है। स्क्रिप्ट यह सुनिश्चित करती है कि मुख्य कहानी से कोई विचलित ना हो और पहचान की चोरी जैसी थीम केवल मामले में वापस आने के लिए होती है। उसने कहा, कुछ दृश्य जैसे कि अरविंद अपनी प्रेमिका दिया के साथ घर लौटता है और परिवार को अपने रिश्ते के बारे में सोचकर छोड़ देता है, यह अनावश्यक लगता है। मनोज के जैन और दुलकर को भाइयों के रूप में कास्ट किया जाना अत्यधिक है, लेकिन अच्छा काम करता है। सहायक कलाकारों में छोटी भूमिकाओं में इंद्रंस, लॉरेंस, सुधीर कर्मान, साई कुमार जैसे दिग्गज शामिल हैं, लेकिन वे वही करते हैं जो अवयस्क है, जैसे कि बीनू, पप्पू, विनोद, सागर और साहिन सिद्दीकी जैसे युवा करते हैं। हालांकि फिल्म में डायना पेंटी, लक्ष्मी गोपा स्वामी और सानिया अयप्पन क्या कर रही हैं इस बारे में कोई आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकता। नाटक करने और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन शुक्र है कि रोशन एंड्रूज शामिल नहीं है। एक पुलिस प्रक्रिया फिल्म हमेशा एक दिलचस्प घड़ी होती है, खासकर जब वास्तविक रूप से की जाती है और स्कोर को